गाइस कैसे हो तुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम फ्री फायर के अंदर कोई मोड नहीं खेलने वाले, कुछ भी नहीं खेलने वाले। मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरा कलेक्शन, और मैंने एक रुपये का भी टॉप नहीं किया, नो टॉप अप का मैंने कलेक्शन किया है। सारी चीज़ें फ्री है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बिना टॉप अप के भी कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं जो लेजेंडरी है, हो सकते हैं लेजेंडरी हैं। तो गाइस और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी कलेक्शन, और वॉलेट में जो भी मेरे ड्रेसेस हैं वो दिखाने वाला हूँ, वेपन के कलेक्शन और बाकी सारे मैं बाद में दिखा दूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट। और गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो सब्सक्राइब बटन को टैप करना है, और वो फ्री भी है। आप सिर्फ कुछ ना करके उसको सिर्फ टैप कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को चालू करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बात बता देता हूँ कि मैंने अभी तक एयर ड्रॉप तक परचेज नहीं किया है। एक रुपये का, पाँच रुपये का, दस रुपये का एक भी एयर ड्रॉप, जो गन का स्किन है उसका भी नहीं किया, जो ड्रेस का है उसका भी नहीं किया। तो गाइस अभी हम जाते हैं वॉलेट में, और पहले कि आप देख सकते हो कि मेरे पास है मैक्सिम का कैरेक्टर, और ये रहा वो अपना रैम्पेज का बंडल जो हम सबको फ्री में मिला था, और ये भी अच्छा ही है। और ये ही लाइट पास का बाल जो बॉक्स से मिला था, और ये है, ये भी एक लाइट पास का ही बाल है। और ये है मेरा पुराना वाला डायमंड रॉयल जो फ्री में तो नहीं मिला था, लेकिन मैंने एक डायमंड भी नहीं खर्च किया इसमें, मैंने सिर्फ वेपन डायमंड रॉयल के वाउचर से किया है। और ये भी एक इलाइट पास का टोपी है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, मैं इसको हटा देता हूँ। और ये इलाइट पास का टोपी है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा एज ऑफ गोल्ड का, जो है हमारे मैजिक क्यूब सेक्शन में। तो गाइस ये एज ऑफ गोल्ड का बाल है, और मैं आपको पूरा बंडल दिखा देता हूँ। गाइस ये बंडल भी बहुत ज़्यादा ओपी है, मेरे को तो ओपी लगा है, क्योंकि इसका जो मास्क है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली मेरे को अच्छा लगा। और ये है अभी का फोर्थ एनिवर्सरी का फ्री फायर का बंडल जो हम सबको फ्री में मिला था, और बस टोकन कलेक्ट करने थे, और ये फ्री में। और ये FF टोकन का है, जिसमें मेरे पास सिर्फ शूज़ नहीं है, और मैंने ये ड्रेस ले लिया, सब कुछ ले लिया है। तो ये भी अच्छा ही है। और ये बाल जो रैंपेज में हमको मिला था, ये मास्क जैसा, तो ये भी हमको फ्री में मिला था। और गाइस और मेरे पास ये पुराना गोल्ड रॉयल, जब हमारा जब पहली बार हमारा वो हमारा कोबरा मंडल आया था, पहली बार तब का है ये एजियन रोम वाला बंडल। और ये अभी का गोल्ड रॉयल गया था, कीबोर्ड वॉरियर वाला, ये भी मस्त है, बढ़िया है। और गाइस मैं जैसे कि मेरा नॉर्मल ड्रेस चूज कर लेता हूँ, अच्छा कलेक्शन है मेरा, देख सकते हो। और ये रहा मेरे, और ये रहा मेरा वो ग्लासेस का, जो भी आप कह सकते हो फेस में जो डालते हैं सबका है। और ये है वो डायमंड रॉयल का, और ये है मैजिक क्यूब का, और ये भी है डायमंड रॉयल का, ये मेरे को स्पिन में मिल गया था। और ये है वो वाला बंडल जो हमको शायद से एक्सचेंज में मिला था हमको मैक्लेरन इवेंट में। तो गाइस और ये वो वाला कीबोर्ड वॉरियर का ग्लास, और ये है हमारे क्रिकेटर का बंडल, देख ही सकते हो ओपी वाला बंडल है। और ये भी हमको फ्री में मिला था टोकन एक्सचेंज में। और गाइस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, ओपी है। और ये है फेस पेंट, मेरे पास एक ही है, और वो है मेरे पास एक ही फेस पेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये है वो हमारे फोर्थ एनिवर्सरी का जो हमको फ्री में मिला था, वो बंडल के साथ ही मिला है। और ये है रैम्पेज बंडल का ड्रेस, तो हम ड्रेस की तरफ मूव कर चुके हैं। और ये है रैम्पेज बंडल का ड्रेस, और ये है डायमंड रॉयल का जो है ड्रेस, और जो टॉप का आप पहन रहे हो कपड़ा। और ये है मैजिक क्यूब का, और ये है वो हमारे फोर्थ एनिवर्सरी जो अभी आया था। और ये FF टोकन, ये भी FF टोकन का ही है, और ये एंशिएंट रोम वाला बंडल। और ये मैंने डेडली ग्लेयर वाला, ये जो आपको रैंक टोकन में मिलता था एक्सचेंज करने पे, ये भी वही है, और ये भी FF टोकन है। और ये आपको मिला था फोर्थ एनिवर्सरी के
वो स्पेशल रॉयल में, स्पेशल गोल्ड रॉयल में ये आपको स्पिन करने में मिला। मेरे पास डेली बंडल है, एक तो नहीं है। और ये है अपना ओपी वाला डंक मास्टर बंडल, और ये भी अच्छा ही है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन डंक मास्टर बहुत ज़्यादा ओपी है। और ये भी मेरे को एफएफ टोकन से मिला है, एंशिएंट ट्राइब वाला। और ये तो मैक्सिम का ही है, और ये मैक्सिम का जब हम लेवल अप करते तो मिलता है। और ये मैक्सिम का पूरा ड्रेस, और ये भी नहीं है। और ये सारे तो मेरे को इलेक्ट्रा से मिले हैं, ये कीबोर्ड वॉरियर का, और जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रहा वो वाला क्रिकेटर का, और ये भी है, मैंने एफएफ टोकन से एक्सचेंज किया है। वैसे ये सारे मेरे को फ्री में मिले, और ये तीन भी मेरे को डायमंड रॉयल से मिले हैं, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, ये टी शर्ट। और ये सारे तो नॉन परमानेंट है। तो गाइस, तो इसके बाद हम चलते हैं पैंट की तरफ। और ये है रैम्पेज का पैंट, और ये है डायमंड रॉयल का पैंट। ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ये वो जैसपन जैसा लग रहा है। और ये है मैजिक क्यूब का वो एज ऑफ गोल्ड वाला बंडल। ये एंशिएंट बंडल का वो क्या कहते हैं को पैंट। और ये है हमारा फोर्थ एनिवर्सरी का पैंट। और ये है वो एफएफ टोकन का जो हमको मिला था, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। और ये है डायमंड रॉयल एंशिएंट वाला जब हमारा कोबरा बंडल पहली बार आया था। और ये है वो वाला बंडल हमारा जो रैंक टोकन में आया था, रैंक टोकन में हमको मिला था। और अरे हाँ, ये रहा चड्डा। कर रहा था ये वही एंशिएंट वाला बंडल का है। और ये भी मेरे को एफएफ टोकन से मिला है, इसका पूरा बंडल नहीं है, लेकिन मेरे पास दो एक पैंट है और एक ऊपर बनने वाला ड्रेस है। और ये भी मैंने पैंट ही लिया था, मेरे पास ड्रेस नहीं है। और ये भी अच्छा है, इस पैंट का नाम है एल्डर, और कौन बुला रहा है पता नहीं। और गाइस, ये है अपना जो हमको स्पेशल रॉयल में मिला था, और ये है डंक मास्टर वाला। और ये है मैक्सिम का पैंट, और ये है कीबोर्ड वॉरियर वाला पैंट। और ये सारे बाकी वाले पैंट हैं, मेरे पास पैंट इतना ज़्यादा नहीं है। और ये सारे शॉर्ट्स हैं। और अभी हम जूते के पास चलते हैं। और मेरे पास है ये रैम्पेज वाला जो हमको शेडो और चेकर वाला मंडल मिला था फ्री में, या अभी जो रैम्पेज 3.2.0 मेरे को पता नहीं 3.0 होगा शायद से, तो उसमें गया था। और ये है वो वाला मेरा जो डायमंड रॉयल मेरे को एक स्पिन में निकला था। और ये है वो एज ऑफ गोल्ड वाला, ये भी अच्छा ही था ये। और ये फोर्थ एनिवर्सरी वाला जो अभी अभी गया था। और ये मेरे को एफएफ टोकन से मिला है जो उनको, ये धोती वाला बंडल मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन मैं तो धोती वाला बंडल ही कहूँगा। रुक जा गाइस, फिर से मजाक कर दिया, पता नहीं मैं वीडियो के बीच में मजाक करता रहता हूँ। और गाइस, ये है चप्पल, ये लेजेंडरी, एक लेजेंडरी चप्पल जैसा ही है, मेरे को अच्छा लगा पर्सनली। और ये है एंशिएंट रोम वाला जिसमें एंशिएंट रोम में चड्डा होता है। और गाइस, ये है वो एफएफ टोकन, नहीं रैंक टोकन वाला जो मैंने लिया था। और ये भी मेरे को एफएफ टोकन से ही मिला था, इसका सिर्फ जूता है मेरे पास, वो WWE वाला बंडल में था, सर रेसलर बंडल। और ये है मेरे पास इसका ये जो पुराने ज़माने वालों का, मेरे पास सिर्फ मेरे को ये वाला ड्रेस चाहिए, इसका बॉडी चाहिए एकदम सिक्स पैक जैसे, और मेरे पास वो है नहीं, इसलिए मैंने वो एज ऑफ गोल्ड वाला बंडल दिया जिसमें थोड़ा सा सिक्स पैक दिखता है। और ये है डंक मास्टर और क्वार्टर बैक वाला जो हमको स्पेशल रॉयल में मिला था। और ये मैक्सिम का जूता है जो मैक्सिम को लेवल अप करने में मिलता है। और ये कीबोर्ड वॉरियर वाला। और ये है हमारा ब्लू ब्लास्टर जो हमको क्रिकेटर वाला बंडल में मिला था। और गाइस, मेरा सबसे फेवरेट वाला शूज़ है फोर्स कॉलर। और ये शूज़ की खासियत ये है कि ये बहुत, ये वाइट भी और ये रेयर भी है, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पहले रेयर था, लेकिन अभी ये रेयर नहीं रहा। और मेरे को इन सारे जूतों से मेरे को सबसे बेस्ट लगा है ये वाला मेरा फोर्स कॉलर वाला, क्योंकि इसको जब पहनते ना अलग ही लुक आती है, जब हम खेलते तो साइड से अलग लुक आता है। तो मेरा भी मेन परमानेंट अभी तक का तो बंडल मेरा यही है सबसे बेस्ट वाला, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा पसंद है।
और मैं यही पहन के घूमता हूँ। और गाइस और बंडल में ये दोनों है, ये हमको रिडीम कोड में मिला था DNA में डांस वाला जो ऋतिक रोशन का जब जे कैरेक्टर आया था तो तब का है, तब ये रिडीम कोड में से ये मिला था फैंटम बेयर। और ये है वो एक्सचेंज वाला जो मैंने कहा था मैकलरन ड्राइविंग, वो हमको मिला था। और गाइस ये दोनों ही है मेरे पास और कुछ नहीं है। और ये रहा मेरा जो मेरे पास टोकन पड़े हैं, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास टोकन ये सब मेरे पास है। और एक एवोल्यूशन स्टोन भी है, मैंने एक मैजिक क्यूब ले लिया था इसलिए। और गाइस ये दो चीज़ें ना, ये दो ये 100% और ये 100 और ये भी 200, तो ये मैं मेरे को मिला है, पता नहीं कैसे मिला है, लेकिन इससे मेरा जल्दी लेवल अप होता है ये 100 EXP का। और इसमें मेरे को गोल्ड ज़्यादा मिलता है, पता नहीं मेरे को परमानेंट मिल गया। मैंने जितने लोगों से अभी तक पूछा है उनके पास तो है नहीं, पता नहीं किसी के पास होगा पता नहीं, मैं लेकिन अभी तक तो जिससे पूछा है मेरे पास ही है। और मैं आपको मेरी कलेक्शन वाली सेक्शन पर जाके दिखा देता हूँ। और मेरे पास दो इमोट है, एक तो ये डबल वेक्टर वाला जो हमको 100 मिनट खेलने में मिला था, और ये शेक इट अप जो हमको रिडीम कोड पर मिला था। और एनिमेशन एक भी नहीं है मेरा, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट क्योंकि इसका आने वाला स्टाइल एकदम ओपी है। और ये वाला मॉन्स्टर ट्रक का स्किन है मेरे पास, दो और किसी ने बुला लिया पता नहीं कौन है। मेरे को ये रैम्पेज वाला पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा, ये इतना भी अच्छा नहीं है, इसमें टायर में एनिमेशन नहीं है, इसमें टायर में भी एनिमेशन है। और ये है FFWS वाला जिसमें थोड़ा सा भी एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसमें मैंने ये इक्विप करके रखा है। और ये केओ नाइट वाला बाइक वाला स्किन जिसमें थोड़ा भी एनिमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है उसको इक्विप करके रखा है। और ये है जो अभी मोको का आया था 100 मिनट खेलने पर, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये मोको का कार का स्किन, और मैं और इसमें एबिलिटी नहीं है तो मैंने ये वाला इक्विप करके रखा है, इसमें एबिलिटी ज़्यादा है नहीं, इसे जल्दी भागने के लिए। मैंने मैकलेरन वाला एक्विप करके रखा है, टॉप स्पीड वाला है, डैमेज कम है लेकिन कोई बात नहीं। और ये मेरे पास एक जिप का स्किन जो हमको रैम्पेज में मिला था। और बैकपैक का बहुत सारे स्किन है, ये भी FFWS नहीं, बहुत एनिवर्सरी में फ्री फायर का हमको मिला था। और ये है कोबरा वाला, और ये FFWS वाला, और ये है केओ नाइट वाला, और ये रैम्पेज ने स्ट्रीट फाइटर में मिला था हमको, ये मैकलेरन। और ये हमको ओबी 29 के अपडेट में हमको अभी आया था, और ये पता नहीं मेरे को पता नहीं कब मिला था लेकिन मिला था, मैं याद नहीं कर रहा, ये भी कुछ एक्सचेंज में ही मिला था। और ये हमको ईद इवेंट में मिला था, जब हमारा ईद इवेंट चालू हुआ था तब का एक्सचेंज में मिला था। और ये दोनों मेरे को इलाइट पास से मिला है, और याद भी कुछ है नहीं, तो मैंने एक्सूव करके रखा है मेरे को यूनिवर्सिटी वाला स्काई मेरे पास है, लेकिन मैं एक्विप नहीं करता, ये मेरे पास अच्छा नहीं लगता। और मेरे पास है लूट बॉक्स जो है हमारा रैम्पेज को हमको मिला था, सबेर टूथ वाला वो है। और ये मोको का स्केट बॉल जो और ये है, और रैम्पेज का यही है भी। और ये है हमारे फोर्थ एनिवर्सरी का, ये मोको का है तो मैंने मोको का एक्विप करके रखा है। और ये मेरे को कैसे तो फ्री में मिला था पता नहीं, मेरे को याद नहीं। और हाँ ये भी रिडीम कोड पर मिला था, और ये वाला कोबरा वाला जो हमको बहुत पहले मिला था, तो कुछ 6-7 महीने पहले मिला था, और ये ईडीएम में हमको मिला था। और ये स्ट्रीट वाटर वाला ये भी अच्छा ही है, सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगा, और ये भी ओपी है, ये इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत एनिमेशन नहीं है। और ये हमको ईडीएम में मिला था। और पैराशूट मोको वाला मैंने एक्विप करके रखा है, बहुत सारे मेरे पास पैराशूट, और ये वाला भी, ये वाला इतना खास है इसलिए मैंने ये वाला इक्विप करके रखा है। और ये वाला मेरे पास बैनर है, और मैंने एक चीज़ सोची है कि मैंने पिछले सीज़न जो हमारा रैंक सीज़न आया था उसमें मैंने डायमंड तक रैंक बूस्ट किया था, वो बी आर रैंक है, तो मैंने उसमें अभी हर नए सीज़न में मैं रैंक पुश करूँगा डायमंड 1 तक, और हो तो उससे ज़्यादा भी कर लूँगा। और अवतार में तो बहुत सारे हैं, और मेरा अभी जो एक्सप्रीज करके रखा है वो वाला ये है, और जो अभी मोको के वो कोड डालने पर मिला था वो वाला है। और ये है वो पिन, ये है
मोको मंथ का पिन और कोबरा का पिन, लेजेंडरी कोबरा पिन। पहले मैं ये इक्विप करता था लेकिन सारे बहुत सारे नए पिन आ गए तो मैंने ये इक्विप कर लिया। तो ये है कोबरा वाला और ये है ये एक्सिप डब्ल्यू का है और ये भी हमको एक्सचेंज में मिला था। और ये है हमारा रैम्पेज 3.2 मेरे को पता नहीं उसमें मिला था रैम्पेज में। और ये भी है रैम्पेज का ही और ये मैकलेरन का हमको मिला था। और ये और देने का मिला था और गाइस मेरे पास इतनी चीज़ें गई तो मेरे बहुत कम चीज़ें बिना टॉपअप के मैंने सारे लिए हैं। और गाइस मैं आपको जिनकी कलेक्शन आपको अगले पार्ट में मैं बताऊँगा, इस वीडियो का अगले पार्ट में मैं पेट का कलेक्शन दिखाऊँगा और वेपन का कलेक्शन और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब बटन दबा देना। आज के लिए मैं करता हूँ, पता है कि मैं वीडियो कम डालता हूँ लेकिन गाइस मैं डालता ज़रूर हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Like a Hellcat.